दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में तैरता हुआ ऐसा जहाज जो अपने आप में ही पूरी दुनिया होती है, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि अमेरिका की नेवी के द्वारा डिकमीशन हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के चलते अमेरिका उसके आसपास 4 सप्ताह तक बॉम्ब्स गिराता है, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डूबता है। दोस्तों ऐसा क्या वजह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना इतना कठिन होता है? ये विशालकाय जहाज जो अपने आप में ही बेहद ही ज्यादा कॉस्टली होता है, वहीं ये अपने साथ लेटेस्ट फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और कई सारे नेवी के वैल्यूएबल एसेट को कैरी करता है, जिससे यह दुश्मन के में हमेशा रहता है। लेकिन चाहकर भी दुश्मन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ कई अलग शिप्स जैसे डेस्ट्रॉयर और अलग शिप्स को लेकर ही चलता है, और खुद को मिसाइल से प्रोटेक्ट करने के चलते एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम के घेरे में चलता है जिस पर अटैक करना मतलब World War III को दावत देना होगा। जापान के द्वारा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यॉर्कटाउन को हमला करने के बाद ही World War II का शुरुआत होता है।